नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेनी वाली शर्ट सिखाऊंगी। सिंपल शर्ट की कटिंग मैंने आपको पहले बताई हुई है, मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। आज है लाइनिंग कैसे काटते हैं शर्ट की, वो मैं बताऊंगी। शर्ट का नाप है 13-14, शर्ट की लंबाई है 39.5 और इसका छाती सीना है 19, कमर 18, हिप 21.5, पल्ले की चौड़ाई भी 21.5 क्योंकि स्ट्रेट सूट है। आइए देखो, मैंने कपड़ा पहले से ही सेट करके रखा हुआ है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी के साथ, एम्ब्रॉयडरी ऐसे बॉर्डर है, एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, लाइनिंग वाला है। इसकी लंबाई है 39.5 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें हम 40 लेंगे, ये देखिए 40 इंच पे, ये देखिए आधा इंच मार्जिन के लिए कंधे की, और ऐसे इधर से सही सही नाप, लेंगे 13 हमारा 7 इंच, 14 है तो आधा, ऐसे यहां से निशान लगाएंगे 7 पे। नीचे की तरफ आधा इंच हम बढ़ा देते हैं, कंधा 7.5, अब है जैसे कि इनकी चेस्ट है, छाती का नाप है 19, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 9.5 पे, और कमर का निशान 7 इंच पे, 14 इंच पे, ये 14.5 आधा इंच यहाँ कंधे में चला जाएगा। यहाँ पे कमर है 18, 9 इंच पे, हिप है 21.5, 11.5 पे निशान लगाएंगे। अब इन निशान को हम आपस में मिला देंगे। शर्ट तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, चलो फिर भी दोबारा देख लीजिए। 2-2 इंच में प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए, इस लाइन फिटिंग की लाइन से इधर, ये देखिए। अब जितना मार्जिन रखना चाहते हो रख सकते हो, ज़्यादा मार्जिन रखना चाहिए क्योंकि कभी खोलना पड़े तो सूट आसानी से खुल सकता है, अगर मार्जिन नहीं होगा तो कैसे खुलेगा। मार्जिन कभी कम नहीं रखना चाहिए। अब जितना पल्ला रखना है हमने ऐसे ही, जितने हिप है उतना ही पल्ला, 11.5 21.5 पे, और उसके आगे 2 इंच, ये देखिए इस लाइन से इसको मिला देंगे। अब हमारा 2.5 इंच पे, 2.5 इंच हमने गले की खुला रखना है, 2.5 इंच, ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच गला, और इधर से आधा इंच हम कंधे से आधा इंच लेके हम डाउन कर देंगे यहाँ गले से, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे, यहाँ हमने 1 इंच लिया, यहाँ पे हम गोलाई गोलाई दे देंगे। अब हम करेंगे कटिंग, यहाँ से सीधा ले जाएंगे, और यहाँ से हम जैसे कि हमने आधा इंच डाउन किया हुआ कंधे पे, ऐसे कैंची को भी हम तिरछा ही
जाएंगे। शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे एक बुक कर देंगे। ये हिप पे कट दे देंगे, एक हम यहाँ कमर पे दे देंगे। देख रहे हैं हमारी जो है शर्ट कट गई, वो शर्ट का फ्रंट पेस कट गया। अब हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। मेन मेरा पर्पज है लाइनिंग बताना। अब मैं आपको शर्ट की कटिंग पहले हो चुकी है, अब मैं आपको लाइनिंग काटना बताऊंगी। जैसे कि लाइनिंग को ऐसे फोल्ड कर लिया है डबल। अब ये शर्ट जो कटी हुई है हमारी, ये इसका जो बंद हिस्सा है ये वाला, ये बंद के साथ बंद ऐसे ऐसे आप इसको रखेंगे। लाइनिंग हमेशा बॉर्डर से इतनी ऊंची लगती है, नीचे बॉर्डर है दिखाई नहीं दे, और पतला है तो पूरा यहाँ तक लगाते हैं। लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए इसमें यहाँ इतनी ही लगेगी। इसको ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसको ऐसे रखेंगे, इधर से भी ऐसे शर्ट को बिल्कुल मैच करेंगे। देखिए ये ध्यान देना कि बंद की तरफ बंद ही मिलाएं, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करते हुए मिला ले। अब देखिए ऐसे मैंने ये लाइनिंग सेट कर दी है, बिल्कुल इधर से मिला के, छोटी बड़ी ना हो, बिल्कुल सेट करनी है। ये देखिए इधर से ऐसे, ये देखिए। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग करनी है शर्ट के साथ साथ। कल मैं आपको इसको सिलना भी सिखाऊंगी कि कैसे लाइनिंग को शर्ट पे अटैच करते हैं। ये लाइनिंग काटने का बहुत ही आसान तरीका है। ये
लाइट चली गई है, 2 मिनट का ब्रेक। अच्छा आज अब देखिए ऐसे ऐसे इसको ये कट हो गया। अब देखिए ये अब हमने लाइनिंग कट गई है ऐसे, शर्ट की लाइनिंग कटिंग करते हैं ऐसे ही। दूसरा पेज बैक साइड का पल्ला हम शर्ट का कटिंग करेंगे और ऐसे ही रख के फोल्ड करके लाइनिंग को नाप के ऐसे ही कटिंग करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो